सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। देखिए आप सब ठीक हो भाई। लास्ट वीडियो में हमने भाई डिलीवरी ले ली थी तो बड़ा बनता है, इस वजह से हमने ब्लॉग एंड कर दिया था। अभी हम फिलहाल दोनों पीछे खड़ी है एंड फिलहाल चलते हैं यहाँ से लेके घर पे। घर वालों के फोन आने लग रहे, चार दिन तो वही लौट रहा है, कैसा रहेगा मक्का ठीक है। बट मेरे को ना इस गाड़ी के अलॉय ज्यादा प्यारे है तो मुझे उसके भी ऐसे कराने भाई। अब सात लाख, हाँ ये मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से 5.5-6 लाख के ऊपर पड़ रहे गाड़ी वाला। तो थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें ना ऑटोमेटिक वाले थे, मैंने दिखाया ना देखो, क्योंकि इस बार मैंने सोचा कुछ तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा था कि इसमें लगे लगाए रखे थे तो वो कहने लगे सर हटा तो सकते नहीं है, मगर चलो हटाओ मत ना, हम कर लेंगे अब सारी चीजें। अगर मैं अपने पर्सनल उससे बात करूं तो लोडिंग ज्यादा अच्छी लग रही इस बार, मेरी गाड़ी में कोई लोडिंग नहीं थी सिर्फ फुट स्टेप के अलावा, तो बाकी तो इन्होंने करवा दिया था काम। अब फुट स्टेप की लोडिंग वो थोड़ा सा, चलो मेरे को डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट चाहिए तो आकर्षण से करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू भैया। तो भाई है, अभी हम चलते हैं आकर्षण को ड्रॉप करते हैं। आकर्षण के पास कुछ कपड़े जो घर वालों ने मेरे को बोला था कि अगर वो नहीं आए ना तो तू घर बती हो, मगर जो ठीक है हम घर नहीं आते, वैसे भी मेरे को घर से रहना बाहर पसंद है। अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, दोनों गाड़ियों के पेट्रोल फुल करा रहे हैं, लगेज उसमें रखा। अच्छा ये 7 सीटर है मैं आपको बता दूं, एंड इसमें हो गया है पेट्रोल फुल। मैं इसको बंद कर दिया यार, ये तो थोड़ा भी बिजी चल रहे सारे, सब लोग देख रहे हैं, दो दो गाड़ी की कर रही है। इसमें आया बिलाल भाई 82 लीटर पेट्रोल, इसमें था कंपनी ने दिया था, एंड भाई साहब मजा आ रहा है, पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है देखने में। ये तो हाफ टैंक से थोड़ा सा कम था ना, 200 का रेंज, इतनी कम होगी। अभी मॉडिफिकेशन सेम को ऐसे ऐसे ठाऊंगा और ऐसे छोड़ दूंगा फिर गाड़ी। अच्छा एक गाड़ी ब्लैक होगी इसमें से, अब वो नहीं पता ये ब्लैक होगी या फिर ये ब्लैक होगी। इसमें आया है 7,000 रुपए पेट्रोल, इसमें आया है 8,000 रुपए का। तो भाई फिलहाल गाड़ी में रेंज आ गई 580 किलोमीटर की और मैंने इसमें कर दिया ट्रिप जीरो और दोनों गाड़ियों में पेट्रोल भर चुके हैं ठुक के। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी कितनी चलती है, मतलब नई में कुछ फर्क आता है या फिर नहीं, या सेम एवरेज देती है। भाई फिलहाल यहाँ से हमने लगा लिया गूगल मैप घर का और यहाँ से दिखा रहा है भाई 7 घंटे 44 मिनट 512 किलोमीटर गाड़ी के अंदर रेंज इसकी दिखा रही है 568। अब वो डिपेंड करता है कि हाईवे पे क्या देगी, एंड 5:58 पे हमारा अराइवल दिखा रहा है। कर लिए हैं 200 किलोमीटर और अभी यहाँ से घर रह गया है 300, ठीक है। एंड अभी हम कर रहे हैं गाड़ी के शीशे साफ करने के लिए। के है? सुना रहा है? सुना रहा है? बुखार सो रहा है तेरे? देखिए कमर दर्द कर रही है, कहीं कुछ भी ना नॉर्मल बैठे हो। माँ कसम यार अपना शीशे साफ करना हो यार, ईमान से बढ़िया अपने चलाने के बाद शीशा और ज्यादा गंदा हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और सौरभ भाई को जाके बोलो कुछ बनाओ इस चीज के लिए भी, तुम्हारे पास घर की फैक्ट्री है बनाओ कुछ। दोनों बीमार, दोनों माँ कसम दोनों बीमार है। यो देख अभी देख खोस खोस रुका है, गुरु को भग लिया और भूख और लग रही है। और भाई सोने के फुल मन में चमन के में भी है कि कुछ खाने के लिए, पहली बात तो इस रोड पे कुछ खाने को मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो नॉर्मल चाय टपरी मिल सकती है तो वो देखेंगे, अगर मिल गई तो बढ़िया बात, वरना जिनको फिर मैं गुड़गांव में खिलाऊंगा सीधा। ये बताओ आपने 4 दिन तक इसे कुछ खाया ना मारते? अच्छा तू क्या कह रहा था वो बता पहले, किसी के लागे हम आगे किंग जॉन की गल, यहाँ मुंह तो आता ही मुक्त है काका, यहाँ नींद आता ही समय छोड़ दे, पर यहाँ भूख लगे खाने का, हम तो पागल है, हम भाई तो मैं सही बता रहा हूँ, गोली जाओ भाई मैं बता दू गोली मार दू, गोली मार रहे हो भाई। एक बार बताओ यार सोने के लिए थोड़ा ना यार, एंजॉय करो यार लाइफ को, बंदा बीमार है कोई तरस करो। खुद खाएगा तो हमें खाना देगा, खुद कहीं जाएगा तो हम जाएंगे। भाई हिमांशु का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर हिमांशु, हैप्पी बर्थडे। भाई कहंदी दुनिया सुन,
एक काम कर ले, चलते हैं रास्ते में घर जाके केक काटेंगे अभी। हमसे कह दो खर्च कर ले, खर्चा कर हम एक मैं करूंगा खर्चा। खर्चा तो भाई खर्चा तो डरे यू, खर्चा ये दो के करे खर्चा ही खड़ा यू, दहेज में ना मिली यू। और के जन्मदिन गिफ्ट आका है मानसी का, इसमें मजा आ रहा है जादू, क्योंकि उसमें एक तो अभी आवाज नहीं है एक्चुअली, मेरी तो रूफ लाइट आवाज कर रही है, ऊपर से रूफ कैरियर लग रहा है, बॉक्स लग रहा है, सीढ़ी लग रही है, तो इसकी वजह से क्या है हवा की थोड़ी आवाज आती है थोड़ी जब ज्यादा स्पीड में चलती गाड़ी। कम्फर्टेबल कौन सी है? ऑब्वियसली ये है भाई, इस गाड़ी में तो अलग ही भाई बात है। वो दोनों बुराई ना कर सके, मार करूँ क्योंकि दोनों अपनी है यार। भाई मुझे गिफ्ट दे दो ले जा, तेरी है भाई जिंदगी मेरा, मैं बताता हूँ जिंदगी में कदम मेरे तो डिफेंडर चलाने को दिया शख्स ने, झूठ बोले कल तो अपनी बात सुनो ना, वो तो गलती से मन नहीं था चलाने का, नहीं मान चुका नहीं था भाई, मैं चला लेता हूँ कोई बात नहीं, कह रहा तू चला ले जा मौज ले, पर 60-70 से ऊपर नहीं, और खुद देख लो कितनी चल रही है 60। अरे एवरेज क्या दे रही है? वो दे रही है 8 की एवरेज। आप क्यों कितने दोस्त, 53 दिखा रही है, फुल करवाई थी अभी 400 दिखा रही है वो तो है, मां कसम पंजे पंजे का फर्क है फिर। तो अभी हम आगरा पहुंचे और यहाँ से रह गया भाई 220 किलोमीटर। एक टपरी दिखी रोड के साइड में, मगर यहाँ टोल टैक्स है, मगर यहाँ रोक लेते हैं, गाड़ी सेफ भी है, अपना चाय पी लेंगे, गैस बन जाएगी, गैस बने, मेरे कहा 20 रुपया नींद क्या लगा भैया, पार नहीं करा जा रहा भाई। अभी रुके हम पेट्रोल डलवाने के लिए, एंड इसमें रह गया था रेंज 130 किलोमीटर। हिमांशु कितनी रेंज रहेगी हमें? चलो जी कह रहा था इसमें और उसमें 100 किलोमीटर की रेंज का फर्क था, मतलब इसमें 100 किलोमीटर कम दिखा रहा था, उसमें ज्यादा दिखा रहा। सुन कितने किलोमीटर रेंज रहेगी? 230 है, 130 है, 100 किलोमीटर का फर्क आ रहा है। 100 किलोमीटर नहीं ना, मेन चीजें मेरी में लोडिंग है ना, तो उसके हवा के दबाव के कारण मुझे अब पता लगा, क्योंकि यार अब हवा लगती है गाड़ी में, बहुत सारे सामान भी लगा हुआ है, और ऊपर से पूरा सीढ़ी खोल दी किसी ने। हाँ तो मेन चीज ये है कि जिसमें इसमें रूफ कैरियर लग रहा है, सीढ़ी लग रही है, और इसमें बॉक्स लग रहा है, लगेज भी है, तो भाई हवा के दबाव से ना गाड़ी पे जोर पड़ता है, तो जोर पड़ता है तो भाई ऑफकोर्स इंजन थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगाता है, तो इस वजह से उसने एवरेज ज्यादा दी है। मैं वही सोच रहा था लास्ट टाइम मेरी गाड़ी में रेंज यहाँ पे इतनी रह गई थी, और अभी गाड़ी घर रह गया हमारा 150 किलोमीटर यहाँ से। दोनों राजा आ लिए और अब पियेंगे कॉफी, मगर यार कॉफी तो बनती है एक घर जाने से पहले, उसके बाद जाके एडिटिंग करेंगे सब कुछ करेंगे ना, अंगड़ाई थोड़ा ना करें। और भाई पूरे रस्ते सोता है इंसान यू यार, ना पता कहाँ देश दुनिया हो, तो ना पता बेटा कहाँ देश दुनिया हो, मैं जब तो पासिंग मार रहा हो, मैं पासिंग मार रहा हूँ भगाली गाड़ी ने। भाई फिलहाल हम पहुंच लिए घर, एंड टाइम हो चुका है भाई 5:30, हमें अभी हम रुक गए थे कॉफी पीने के लिए, तो आधा घंटा तो हमारा वहां चला गया था, बट सही उजाला हो गया। बाकी दोनों गाड़ी आ चुकी है घर, अभी थोड़ी देर ऊपर चलते हैं एडिटिंग करते हैं, उसके बाद सोएंगे। चल दिया गाड़ी लिया है तो ये सो रही है। अभी तुम एक चीज दिखाओ, मैं तुम्हें अब देखो दो मेरे पहलवान ये रे। अरे पैसे इनका तो हमेशा का रहता है, घर वाला जाके पहुंच चुके हैं घर, छत पे आके बैठ चुका हूँ, और अब आपको बता देता हूँ कि सेम गाड़ी सेम डिफेंडर सेम कलर मैंने क्यों ली, और इसके पीछे का रीजन क्या था। कांग्रेचुलेशंस बोल दो पहले तुम्हारे भाई को। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। गाड़ी लिए इसने, मतलब इसने मतलब देखो गाड़ी तो घर में ही आई है, मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ था, कि एक्चुअली मैं आप सबके साथ एक प्रैंक कर रहा था
कि भाई मैंने दो गाड़ी ले ली, ऑफ कोर्स मैं दो गाड़ी सेम गाड़ी का करूंगा क्या? करेक्ट। और मैंने जो प्लान किया था वो कराया था मैंने आरआर का। अब आरआर तो तुम समझ गए, बहुत लोग नहीं समझे, जो नहीं समझे वो उनको जब आ जाए जब पता लग जाए। बट अभी मैंने गाड़ी लिया वो लिए अमन वाटी ने, ठीक है। और इसको गाड़ी दिलाने का मकसद मेरा था, इसने मेरे को बोला कि अजय भाई गाड़ी चाहिए, मैं कहा चलो दिलाएंगे भाई गाड़ी। जब गाड़ी भाई ने बोली है किसी हालत में दिलाएंगे भाई, बहुत टेंशन थी। चलो वो चीजें जो हो गई, जो चीज जा चुकी है ना उसके बारे में बात नहीं करते हैं, बस जो चीज जा चुकी है उसको जाने दो। अब बात कर लेते हैं कि सबको ये चीज बताई क्यों नहीं भाई, देख थोड़ा सा कभी कभी मैंने यार सोचा एक बार प्रैंक कर लेते हैं आप सबके साथ, बट गाली देंगे या प्यार देंगे, बट आप सबका बहुत सारा प्यार आया था, बहुत लोगों ने ऐसे भी बोला, कुछ अलग भी बोला, बट देखो जिनका काम था बोलना उनका बोला। अगर मैं सेम गाड़ी लेता तो मुझे गाली देते हैं आज, और सेम स्टेयरिंग को मैं दिखा के करता क्या? बाकी देखो बाकी रही बात भाई की, तो ये भी अपनी है, और रही बात यानी कि आरआर सून है तो आरआर बहुत जल्द सून है, वो भी वहीं से आएगी, वो तो बस रिटेंशन ना हो जितनी अब होगी इससे कम होगी, शायद इससे ज्यादा भी हो सकता, कुछ ना पता चलो, वो तो जब की बात है, जब देखेंगे जब लेकर आएंगे। बाकी सॉरी भाई अगर किसी को बुरा लगा हो तो, और बाकी थैंक यू सबको यार, थैंक यू सबको इतना सारा प्यार देने के लिए, बट आई एम सो सॉरी अगर आप किसी को बुरा लगा हो तो। बहुत लोग खुश हो गए थे, बहुत लोग की जल भी गई थी, है ना भाई? आई गॉट इट, बट उनको भी समझाना था। मैं बेड पे लेटा हूं टेंशन में, फोन करने लग रहा हूं जो मैं करे, सेम हाल मेरा था, मेरा तेरे से ज्यादा हाल था, मेरा तेरे से ज्यादा था भाई, मत आपने इतनी टेंशन सहली, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो गाड़ी धुआ दूंगा बस। बाकी चलो भाई कर देते इस ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी भाई को जाके एक बार कांग्रेचुलेशंस बोल देना, बाकी सॉरी, और कल मैं आपको एक ब्लॉग में कुछ बताऊंगा और उसका वेट करना, बेसिकली उसका वेट करना, वो बहुत अच्छी बात है जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ।